अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज तुलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका जेड के डिजिटल स्कूल में। आज हम देखेंगे ब्रिज कोर्स का प्यारे बच्चों 13वां दिन और स्टैंडर्ड 6, 7, 8 सब्जेक्ट उर्दू का। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। प्यारे बच्चों, 13वां दिन है आज का। बोलना, पढ़ना, लिखना और अमली कवायद पर मबनी आज की सरगर्मियाँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आओ मालूम करें। उस्ताद वालदेन दर्जेल सरगर्मी से मुतल्लिक सबसे पहले गुफ्तगू करें। कुछ अल्फाज में दाएं जानिब से या बाएं जानिब से हुरूफ पढ़ने पर अल्फाज की सियत पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी प्यारे बच्चों अल्फाज के मानी पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पर है दामाद, अब शुरुआत में दाल आता है, उसी तरह से आखिर में भी दाल आता है। अगर उल्टी तरतीब में भी लिखा जाए तो भी दामाद ही बनता है। उसी तरह से सांस, प्यारे बच्चों सास इस लफ्ज़ में सीन अलिफ सीन आता है, अगर इसको उल्टी तरतीब में लिखा जाए सीन अलिफ सीन तो भी सास ही बनता है। इस तरह से प्यारे बच्चों आओ अहलियत पैदा करें में कुछ और अल्फाज देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मोम, अभी मोम जो लफ्ज़ है प्यारे बच्चों, इसमें मीम, वाव और मीम ये लफ्ज़ आता है, और अगर इसको उल्टी तरतीब में भी लिखा जाए तो भी मोम ही बनता है। अब यहाँ पे देखते हैं, कुछ अल्फाज दिए गए, हमको क्या करना है, इसे दोबारा लिखना है क्योंकि इनकी मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे दर्द, यहाँ पे देखिए दर्द, दाल, रे और फिर दाल, तो इस तरह से दर्द, तख्त, नादान, अदा, एशिया, लाल, बाप। इस तुलबा तलबात के कुछ ऐसे अल्फाज थे जिनकी मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उनके उल्टी तरतीब में भी उसे लिखा जाए तो, क्योंकि दोनों हरफों में मसावियत है, एकसानियत है। आओ तखवीलाती बने चैलेंज में। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी किताब में से, अपने नोटबुक में से कुछ अल्फाज तलाश करने के हैं और ऐसे अल्फाज लिखने हैं। आइए साथियों, अब हम चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते, शेयर करते हैं।